ਜੀ ਬੋਲ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। गाइस कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सुबह से स्टार्ट हो कर रही हूँ मैं, फ्राइडे का दिन है, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्राइडे का, हाँ जी ये फ्राइडे का है। और फ्राइडे सुबह उठ गई थी मैं जल्दी, तो युवराज तंग कर रहा था, उसको दे दिया मैंने फ़ोन। और साथ में अपने लिए मैंने फ्रेश होके अपने लिए, सुबह उठते ही मेरे को लगी भूख, तो सुबह उठते ही मैंने अपना जो फेवरेट है क्रेविंग वाला फूड चाय पराठा, वो मैंने बना लिया था और वो खा लिया। और उसके बाद फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। और उस दिन छुट्टी थी, सभी की छुट्टी थी लेकिन मेरी छुट्टी नहीं थी। स्टाफ के लिए जो था पीटी मीट रख दी गई थी स्कूल, और उस वजह से बच्चों को टीचर्स को जाना पड़ा। तो मैं जब जा रही थी तो नूर का ये कहना था कि फटाफट से मम्मा मेरी चोटी बना दो, मैंने भी पोनीटेल करनी है। तो फिर मैंने, टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने फटाफट से नूर की जो चोटी बना दी। तो गाइस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर बस यहाँ पर मैं फटाफट से नूर को कर रही हूँ रेडी, और उसके बाद फिर मैं चल पड़ूंगी स्कूल की तरफ। और स्कूल जाते ही फ़ोन हमारे हो जाएंगे सबमिट, और वहाँ का शूट कोई ले नहीं सकती। तो घर आने के बाद फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। नूर को काफ़ी छुट्टियाँ थी एक्चुअली, ईस्टर और गुड फ्राइडे की नूर को काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती हैं। तो नूर को 4 छुट्टियाँ थी फ्राइडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, और इसने मंडे को स्कूल जाना था। तो छुट्टियां तो थी लेकिन होमवर्क काफ़ी पड़ा हुआ था। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, और बाप है दोस्तों मैं चली स्कूल। और हाय दोस्तों, ये मैं घर पे पहुंच गई हूँ। घर पे आने के बाद मैं नूर को कह के गई थी कि अपना जो हॉलीडेज वर्क है वो कम्प्लीट कर ले, तब ही हम कहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1 छुट्टी फिर रह जाएगी मेरी, मेरे को तो सिर्फ संडे की छुट्टी मिलेगी तो 1 छुट्टी रह जाएगी। लेकिन उसने किया नहीं कुछ भी, हाथ भी लगाया कॉपीज़ को। तो आते ही मैंने उसको पहले थोड़ा सा होमवर्क करवाया, और फिर मैंने लग गई मैं अपने किचन के काम में। तो सब्ज़ी आज बना रही हूँ कद्दू की। कद्दू होता है एक, तो दूसरा होता है ग्रीन वाला, नहीं दोनों ही ग्रीन होते हैं, एक घिया कद्दू होता है और दूसरा जो होता है हलवा कद्दू बोलते हैं उसको, तो हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बोलते हो आप लोग, लेकिन पंजाबी में हमारे यहाँ हलवा कद्दू ही बोलते हैं। तो उसको मैं तड़का लगा लूँगी, वैसे कुकर में बनाते हैं उसको तो, लेकिन मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में ना मेरे से पानी का थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, कम या ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाए तो वो कुकर के साथ ही चिपक जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पानी हो जाता है एकदम, फिर पानी वाला तो अच्छा लगता नहीं है, वो ड्राई फॉर्म में भी अच्छा लगता है। तो मैं इसको तड़का लगा दूंगी। और मज़े की बात ये है कि फ़ोन मेरा कोई आ गया था अर्जेंटली, तो जैसे मैंने तड़का लगाया और सब्ज़ी उसमें डाली तो वैसे ही फ़ोन आ गया था। तो मेरे को फ़ोन जो है ट्राईपॉड में से उतारना पड़ा और कॉल लेनी पड़ी, और फिर जो सब्ज़ी की जो शूटिंग है, जो मेन बन के सब्ज़ी आई थी, वो शेयर करना मेरे से हो नहीं सका क्योंकि आगे का मैंने शूट किया ही नहीं। तो तड़के में मैंने अदरक और लहसुन साथ में ही डाल दिया है, और साथ में हरी मिर्च है वो कद्दू में ही डाल दूंगी काट के। तो बस इनको सिंपल सा तड़का लगा दिया। टमाटर मैंने नहीं डाला क्योंकि घर में कुछ मेंबर्स को, यानी कि हस्बैंड और सासू माँ को टमाटर वाला नहीं पसंद है, उनको ऐसे ही पसंद है, तो मैंने इसलिए टमाटर नहीं डाला है। हाँ, बाद में जब बन जाएगा तब उसको अलग से टमाटर वाला तड़का मैं लगा लूँगी अपनी चॉइस के हिसाब से, बाकियों को जैसे पसंद है वो वैसे ही खाएंगे। और बस यहाँ पे मेरा तड़का लग गया है, और ये गई मेरे कद्दू की सब्ज़ी। और देख लीजिए ये वाली सब्ज़ी मैं बोल रही हूँ, तो अंदर से येलो होती है, एक तो अंदर से वाइट होता है कद्दू वो वाला है, ये अंदर से येलो है। और दोस्तों ये मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, नेक्स्ट डे स्कूल आने के बाद। नेक्स्ट डे मैंने कोई भी शूट नहीं लिया क्योंकि मैं जल्दी में थी, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी थी, मेरे को जाना था पठानकोट अपने मायके।
तो नेचुरली मैंने कोई शूटिंग नहीं की, बस सब्जी बनाने के बाद मैं फिर अपनी तैयारी में लग गई। और रात को अंधेरी बहुत चल रही थी, लाइट चली गई, जिस वजह से मैंने कोई शूट नहीं किया। तैयारी मेरी वैसे ही चलती रही, बच्चों के कपड़े निकालने एंड ऑल, और अपनी तैयारी, और मैं खुद तैयार होकर भी गई थी स्कूल। और स्कूल आने के बाद मैं 5 मिनट भी नहीं बैठी और बस फिर हम चल पड़े अपने मायके की ओर पठानकोट। काफ़ी दिन हो गए थे, डैडी जी ठीक नहीं रहते मेरे, तो उनकी उनका हाल चाल पूछना था, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे। तो रास्ते में जब हम पूरा जो है एरिया क्रॉस कर आए और जब हमने पठानकोट में एंटर किया, तो तब शूटिंग करना वाला होता है, क्योंकि पठानकोट का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसपास हरियाली वाला माहौल है, काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे और बहुत ही अच्छा एक बोलते हमें इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलता है। इस वजह से मेरे को मन करा कि शूट कर लेती हूँ। और मैं अभी हम अपने हस्बैंड के बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं, तो पीछे से मैंने फ़ोन निकाला फटाफट से और फिर ये शूट कर लिया। और यहाँ पे दीवारों पे ये है टोटली आर्मी एरिया है, और यहाँ की दीवारों के ऊपर भी लिखा हुआ है कि शूटिंग करना मना है, लेकिन फिर भी मैंने कर डाली है क्योंकि बहुत ही अच्छा एरिया लगता है। और यहाँ से बिल्कुल पास ही हमारा घर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ 2 या 3 किलोमीटर की इतनी ही होगी शायद। तो बस दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर देना, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये यहाँ पे बड़ा सा टैंक है। और अच्छा, मेरे से ज़्यादा खुशी यहाँ पे आने की मेरे हस्बैंड को होती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरे को ये बचपन से ही ये इलाका बहुत ही पसंद है। ऐसे लगता था कि कोई दिल से कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन यही होगा कि मेरी शादी उनके साथ होनी थी और क्या। तो ये है, ये नहर है, ये नहर जो है छोटी सी, ये मंदिर के पास है, और ये इसको बहुत ही फेमस मंदिर है ये, इसको हाथी वाला मंदिर भी बोलते हैं और बर्फानी मंदिर भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ही हमारे घर के पास है। तो बस दोस्तों, अब हम अपने घर पे पहुंचने वाले हैं, और ज़रा से हमारे दर्शन भी कर लीजिए। ये है मी एंड विद माय फैमिली, और हम बाइक पे बैठे हुए हैं और मज़े से बस बातें करते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये बेटा है और बेटी है, वैसे इतनी ठंड है नहीं, लेकिन उनको स्वेटर पहना रखा है क्योंकि मोटरसाइकिल में हवा तो लगती ही है। अब ये मेन फाटक जो हमारे घर के पास बिल्कुल ही ये है, और ये आते हुए यहाँ पे बंद था, तो यहाँ पे बस हम वेट कर रहे थे कि कब ये गाड़ी निकले और हम फटाफट से अपने घर पहुँच जाएं। और बस दोस्तों, यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर, और सभी लोग व्यस्त हैं बातें बूते करने में, और मैं भी मम्मी के साथ लग पड़ी हूँ आते ही बातें करने, और सिस्टर है और युवराज खुशी से यहाँ वहाँ झूम रहा है और देख रहा है कि कहाँ मैं आ गया हूँ बस। और बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, कल का बाकी फिर इसके बाद हम अपने पास ही जो है मेरी ननद का जिसकी शादी हुई थी, वीडियोस आपने देखी थी, उसका भी घर है, तो हम पास में उसके पास पे से भी होके जाएंगे, तो उसका भी वीडियो है कल का जो है, मतलब नेक्स्ट डे का। और बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलूंगी अगले व्लॉग में, टेक केयर।